हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की सब्ज़ी। आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने पहले भी आपको बना के दिखाया है, लेकिन आज थोड़ा सा हेल्दी टाइप बनाएंगे क्योंकि बहुत लोगों को हेल्दी खाना पसंद होता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक फूल गोभी, उसको अच्छे से काट लिया है। इसके बाद मैंने एक प्याज लिया है और एक टमाटर लिया है और आलू एक लिया है, इसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैटल ले लिया है, कैटल का स्विच मैंने अभी ऑफ़ रखा है। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे फूल गोभी। कैटल का स्विच इसलिए ऑफ़ रखा है क्योंकि अभी आप ऑन कर दोगे कैटल का स्विच तो आपका कैटल ख़राब हो सकता है, नीचे से जल सकता है। तो पहले हम सारा फूल गोभी डालेंगे, आलू डालेंगे, इसके बाद ही हम कैटल का स्विच ऑन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा फूल गोभी डाल दिया है। इसके बाद हम डालेंगे आलू, जो हमने एक लिया था आलू वो हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे मैंने आलू भी डाल दिया। इसके बाद हम पानी ऐड करेंगे इस पर। पानी इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि नीचे से ना जले, फूलगोभी अच्छे से बॉईल भी हो जाए, कुक भी हो जाए और आपका कैटल भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने डाल दिया है। अभी हम कैटल का स्विच ऑन कर देंगे। तो कुछ देर के बाद आप देख सकते हो हल्का हल्का सा धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है, फूलगोभी जो है पकना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक मिला दिया है। इसके बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जो है हल्दी का पाउडर हम मिलाएंगे इस पर। तो नमक और हल्दी डाल के पहले हम इसको पकाएंगे, आगे का प्रोसेस हम बाद में करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे मिला देंगे अच्छे से, हल्दी और नमक को अच्छे से यहाँ पे मिला दिया है, देख सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही हेल्दी होगा क्योंकि ज़्यादा मसाला डाल के सब लोग खाना पसंद नहीं करते, तो इसलिए आज थोड़ा सा कम मसाले में हम बनाना सिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर मैंने एक टमाटर डाल दिया। अभी कुछ देर पकाने के बाद टमाटर और प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पे टमाटर और प्याज मैंने अच्छे से डाल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, मिला देंगे टमाटर और प्याज को फूल गोभी के साथ, मिला देंगे अच्छे से। और बहुत ही केयरफुली अब करना क्योंकि हाथ में गर्म लग सकता है। चम्मच जो है बड़ा साइज़ का हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़े टाइम के बाद। हम अभी क्या करेंगे, इस पर मसाले मिलाएंगे, सूखे मसाले। सूखे मसाले में जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच हम मिलाएंगे। इसके बाद हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, तो आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर हम मिलाएंगे इस पर। आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हो। मिला देंगे अच्छे से मसालों को। अब बहुत गर्म होता है, थोड़ा सा सावधानी से आप इसको हिलाइए और एक बड़ा सा चम्मच लेके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है हमारा फूल गोभी लगभग बन के तैयार हो गया है। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस पे मिलाएंगे गरम मसाला जो है होता है वो हम मिला देंगे। गरम मसाला आप ज़रूर यूज़ करना, इससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आता है, खाने में भी अच्छा लगता है। और इसके बाद हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इस पे। थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने यहाँ पर मिला दिया है, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ठंड के सीज़न में जो है हरा धनिया बहुत मिलता है, तो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा बनके तैयार हो गया है फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी। तो अभी हम कैटल का स्विच ऑफ कर देंगे और प्लेट में डाल के दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी हम निकाल लिया है। अभी हम इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी आप खा सकते हो और बहुत ही हेल्दी होता है ये। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं हर तरह का वीडियो अपलोड करता हूँ इस पर। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।